पट्टी के कोने कोने से पधारे मेरे सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों और बड़ी तादाद में उपस्थित मेरी माताओं बहनों और पत्रकार मित्रों, आज के इस मौके पर सबसे पहले भाई राम सिंह जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे बुलाया, मुझे मौका दिया आप सबके बीच अपनी बात रखने का, कहने का। आर्य राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर और भाई राम सिंह जी के बुलाने पर मुझे यहाँ आने का आप सबके बीच मौका मिला। पट्टी के मेरे साथियों बुजुर्गों, बहुत दुर्भाग्य हमारे आपका इस बात को लेकर है कि जब जब पट्टी के लोगों की चर्चा होती है, पट्टी क्षेत्र की चर्चा होती है, तो सबसे ज्यादा चर्चा आती है तो यहाँ के अन्याय और अत्याचार की जो भारतीय जनता पार्टी वाले कर रहे हैं। सभापति जी की परेशानियां, कहानियां पूरे उत्तर प्रदेश के लोग एक एक समाजवादी साथी को एहसास से अंदाज है। जैसा मुझे बताया अगले बाल कुमार जी भी चर्चा कर रहे थे अपने भाषण में, 3000 से ज्यादा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर फर्जी मुकदमे हुए। तब मैं कहना चाहता हूं अपने कार्यकर्ता साथियों से, बहुत अन्याय अत्याचार आप सबने बर्दाश्त कर दिया और इस अन्याय के अंत करने का समय आने वाली 27 तारीख आपके सामने है। यहां से साइकिल का बटन दबा के राम सिंह जी को जिता देना और जब राम सिंह यहां से जीत के जाएंगे तो लखनऊ में हम सबके नेता आदरणीय अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे, वहीं से सभी के सभी अन्याय और अत्याचार पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, ये मैं भरोसा दिलाता हूं। जितने फर्जी मुकदमे हुए हैं, एक एक फर्जी मुकदमे को कार्यकर्ता साथियों वापस कराने का काम करेंगे पट्टी के अंदर और जांच कराई जाएगी किन किन अधिकारियों ने, किन किन अधिकारियों ने सत्ता के दबाव में, मंत्री के दबाव में गैर कानूनी तरीके से फर्जी मुकदमे किए हैं, उनकी भी जांच की जाएगी और जांच में दोषी पाए जाएंगे तो कार्रवाई भी की जाएगी। इसलिए अपने पट्टी के साथियों आपके बीच कहना चाहता हूं, ये समय, ये 2022 का ये चुनाव, ये 27 तारीख का दिन जिस दिन आप मतदान करोगे, मैं समझता हूं प्रतापगढ़ विधान, प्रतापगढ़ जिले में चाहे पट्टी हो, चाहे रानीगंज हो, चाहे कुंडा हो या इस जिले के और भी इलाके हो, जो अन्याय और अत्याचार और शोषण की जो पराकाष्ठा चल रही है बाबा जी तुम्हारे राज में, उसका खात्मा प्रतापगढ़ की जनता करने का काम करेगी। प्रतापगढ़ के लोगों, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा है समय आने दो, समाजवादियों को मौका मिलने दो, हम लोग जाति जनगणना भी कराएंगे और जाति जनगणना के बाद जिसकी जो जाति की जिम्मेदारी हिस्सेदारी बनती होगी सभी को न्याय दिलाने का काम भी माननीय अखिलेश यादव करेंगे, ये समाजवादी पार्टी का जनता के बीच वादा है। पट्टी के लोगों याद करो, ये भारतीय जनता पार्टी वाले बातें और भाषण क्या क्या किए थे 2014 में, 2017 में और क्या क्या इन्होंने घोषणा पत्र पेश किए थे और जितने घोषणा पत्र पेश किए उतने घोषणा पत्र से ठीक उल्टे चलने का काम किए। बात करते हैं गुंडे की, बात करते हैं अत्याचार की, अन्याय की, बाबा जी आके देख लो प्रतापगढ़ की जनता के साथ कितना अन्याय हुआ है और यहाँ के लोगों को न्याय सिर्फ इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि यहाँ के अत्याचारी और अन्यायी बाबा जी तुम्हारी बिरादरी के, इसलिए यहाँ के गरीब लोगों को न्याय नहीं मिल रहा। इसलिए आज इस मौके पर कहने आए हो आपके बीच, याद करो 14 का ये घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी का, क्या बोल के आए थे बीजेपी के लोग, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार ने हालांकि भ्रष्टाचार बढ़ाया था, महंगाई बढ़ाई थी,
लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों, आपने उसको पराकाष्ठा तक पहुंचाने का काम किया है। याद करो नारा देते थे कि बहुत ही महंगाई की मार, और महंगाई इस समय जो थी और आज की महंगाई में जमीन आसमान का अंतर आ चुका है। बताओ मेरे गरीबों, किसानों, नौजवानों, डीजल का दाम उस समय कितना था और आज कितना हो गया है? पेट्रोल का दाम कितना हो गया है? आज फ्री में सिलेंडर के भाषण होते थे भाजपा के लोग। बताओ कोई गरीब परिवार का व्यक्ति सिलेंडर अगर भरवा पा रहा तो एक नाम बता दो किसी गरीब की। हजार के पार पहुंचा दिया आपने। आपने कहा कि हम हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। 2014 का वादा था, 2022 से तक लगातार आपकी दिल्ली की सरकार रही, 17 से लेके 22 तक यूपी की भी सरकार रही। बहुत घमंड से कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों, ये डबल इंजन की सरकार से उत्तर प्रदेश और देश की जनता का भरोसा उठ चुका है। बताओ पट्टी के लोगों, भरोसा उठाए कि नहीं उठाए भाजपा के लोगों से? हटाओगे इनको कि नहीं हटाओगे? ये महंगाई बढ़ाने वालों को खत्म करोगे कि नहीं करोगे? इसी चुनाव में क्या कहा, रोजगार देंगे। 17 में कह दिया कि 70 लाख नौजवानों को रोजगार, 14 में कहा कि 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार। अगर बीजेपी के लोगों तुमने रोजगार दिए होते तो आज मैं समझता हूँ पट्टी प्रतापगढ़ का कोई नौजवान बेरोजगार नहीं रह जाता, इतने रोजगार पैदा हो जाते। लेकिन आपकी बातें केवल चुनावी मुद्दे। क्या कहा था प्रतापगढ़ के लोगों, बीजेपी वालों ने, देश नहीं बिकने दूंगा। बताओ देश के अंदर बचा क्या है जो आपने नहीं बेच दिया? बताओ जहाज बेच दिए कि नहीं बेच दिए? हमारे अड्डे बेचे कि नहीं बेचे बीजेपी ने? बंदरगाह बेचे कि नहीं बेचे? पेट्रोलियम की संचार की कंपनियां बेची कि नहीं बेची? और बेचने वाले कौन है और खरीदने वाले कौन है? तो बताओ हमारे उत्तर प्रदेश वालों को क्या मिला है? वही बेचने वाले, वही खरीदने वाले। उत्तर प्रदेश के लोगों को केवल गुमराह किया, हमारे नौजवानों को बेरोजगार किया। ये बीजेपी वालों ने क्या कहा कि हम अपने किसानों की आमदनी दूनी करेंगे। 2022 आती आती है, आज हम 2022 में हैं, 25 फरवरी में हैं। बताओ कोई प्रतापगढ़ का किसान बता दे खड़े होके कि बीजेपी की सरकार में उसकी आमदनी दूनी हो गई हो? बताओ अगर किसी किसान की हुई हो, आमदनी बढ़ी है कि घटी है बता दो। लागत किसान भाइयों आपकी मिल पा रही है आपको? इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, ये बीजेपी के लोग आगे अखिलेश यादव जी कहते हैं कि बीजेपी के जितने नेता हैं ये छोटे नेता हैं तो छोटा झूठ बोलते हैं, और बड़े नेता हैं तो बड़ा झूठ, और सबसे बड़े नेता हैं तो सबसे बड़ा झूठ। तो बताओ इन झूठों को हटाओगे कि नहीं हटाओगे? ये झूठों को हटाने का समय आ गया है परसों का दिन। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ प्रतापगढ़ पट्टी के अपने लोगों के बीच, आदरणीय अखिलेश यादव जी चाहते हैं कि उनके किसानों की फसलों को बाजे मूल्य मिले, उनकी खेती किसानी का काम लाभकारी व्यापार बने। इसलिए उन्होंने सोचा है और कहा है कि किसानों की लागत को हम कम करेंगे और किसानों की आमदनी को बढ़ाएंगे। लागत किसानों की कम तब होगी जब किसानों की सिंचाई पूरी तरह से मुफ्त होगी। घोषणा कर दी है, 1 पैसा भी बिजली का आपके ट्यूबवेल का बिल आपको नहीं देना पड़ेगा। यह समाजवादी पार्टी की घोषणा है। समाजवादी पार्टी की घोषणा है कि हर परिवार को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी ने घोषणा की है कि हम अपने किसानों को 5 बोरी यूरिया और 2 बोरी डीएपी अपने किसानों को मुफ्त देने का काम करेंगे। बताओ जब सिंचाई मुफ्त होगी, डीएपी यूरिया मुफ्त मिलेगी तो मेरे किसानों की लागत घटेगी कि नहीं घटेगी?
और किसानों की लागत घटा के न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानून बना के उनकी फसलों को बाजे मूल्य दिला के समाजवादी पार्टी के लोग अपनी खेती किसानी को लाभ का व्यापार बनाने का काम करेंगे। अभी हम देखते हुए आए आदरणीय अखिलेश यादव जी के समय की हुई मंडी, उस मंडी पे केवल बाउंड्री खींची थी और बाबा जी के झूठे मंत्रियों के पत्थर लगे हुए थे। पढ़ने यहां जाके जो लोग इधर जाएंगे पट्टी बाजार की तरफ सोचो, केवल बाउंड्री खींच के पत्थर लगा दिए। हम वादा करते हैं राम सिंह जी की ओर से, बनने दो समाजवादी पार्टी की सरकार, अपने किसानों के लिए स्थायी मंडी चलाने का काम यहां पर करेंगे। इसलिए आज इस मौके पर आपके बीच आए हैं। जहां किसानों की आमदनी बढ़ानी है, वहीं नौजवान साथियों आपको न केवल लैपटॉप की योजना से पिछली बार जोड़ा था, उस योजना को इस बार फिर आगे बढ़ाएंगे। साथ ही साथ आईटी सेक्टर में 22 लाख नौजवानों को रोजगार दिलाने का काम भी अखिलेश यादव जी करेंगे। हमारी बहनें बेटियां जो इंटर पास हैं, जिनको नेताजी ने 2004-05 में 20,000 रुपए की कन्या विधन देना शुरू किया था, पिछली सरकार में आदरणीय अखिलेश जी ने 30,000 दिया, आने वाली सरकार में 36,000 रुपए की अपनी कन्या विद्याधन की योजना भी चलाएंगे। एमए तक की अपनी बच्चियों के लिए, बेटियों के लिए पढ़ाई मुफ्त। वही मेरी गरीब माताएं बहनें बैठी हैं, याद करो जब अखिलेश तब तो काम बन गया राम सिंह का, और मुझे लग रहा था सबसे कम उम्र के मंत्री ने बन जाइए, इनसे कम उम्र का कौन बनेगा बताओ। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो कहते हैं उससे ज्यादा, लेकिन राम सिंह भाई जहां क्षेत्र की जनता आपको आशीर्वाद देके विधायक बनाएगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपना आशीर्वाद देके लखनऊ में सम्मान देंगे। एक मिनट माता बहनों, एक मिनट, वही तुम्हारी जिम्मेदारी है। जिस किसी के साथ भी अन्याय हुआ है, हर व्यक्ति को न्याय दिला देना, ये संकल्प आपको लेना पड़ेगा भाई राम सिंह जी। एक एक व्यक्ति को न्याय दिला देना, और जिन्होंने अन्याय किया है उनकी ढंग से जांच करा लेना, और जितने जांचों में दोषी पाए जाएं उनकी कानून में जितनी सजा हो उससे एक दिन भी कम ना होने पाए, ये देखे रहना। मेरे पैर भी बहुत मजबूत रखना। बताओ कितने लोग हैं जिनके परिवारों में कष्ट है, संकट है, अभी लोग मिल रहे हैं कि हमारे घर को तोड़ दिया, अभी एक साथी मिले गए हमारा पेट्रोल पंप सीज करा दिया। ये मंत्री का पद जनता की सेवा के लिए होता है, लेकिन मंत्री जी वो भी नशे में आ गए थे बुलडोजर की, बुलडोजर का नशा थोड़ा बहुत तो आएगा ही मंत्री तक, लेकिन मंत्री जी को पता नहीं है ये बीजेपी के लोग अब मंच से उठक बैठक भी लगाने लगे हैं। बताओ लगा रहे कि नहीं लगा रहे, वीडियो देखी कि नहीं देखी। लेकिन यहाँ वाले उठक बैठक भी लगाएं तब भी माफ करने की जरूरत नहीं है। बाबा जी पश्चिम में थे तो गर्मी निकाल रहे थे सफाइयों की, और अभी तो अवध का इलाका चल रहा है, अभी तो पूर्वांचल पहुंचे भी नहीं पूरी तरह से, और 200 से ज्यादा जीत चुके हो चार चरणों में, ध्यान रखना, जीत चुके हो 200 से ज्यादा। अब तो जो जीतोगे ये एक एक सीट आपके इतिहास रचने का काम करेगी कि इतनी बड़ी लीड जीते हो, इतना बड़ा बहुमत लिए हो। तब मैं आपसे चाहता हूँ कि जब इतिहास रचने का समय है तो पट्टी के लोगों पीछे न रह जाना। यहाँ से हमारे नौजवान साथी भाई राम सिंह को ऐतिहासिक वोटों से चुनाव जिता देना, ये हमारी आपसे प्रार्थना है, अपील है, निवेदन है। बताओ पट्टी वालों जिताओगे कि नहीं जिताओगे, बड़े से बड़े वोटों से जिताओगे कि नहीं जिताओगे, हटाओगे पट्टी बनाइए। वादा है जी अपने गरीब माताओं बहनों के बीच 1500 रुपए महीने की पेंशन देने का काम भी समाजवादी पार्टी की सरकार का। जो प्रतापगढ़ में मुझे पता है बहुत सारे जरूरतमंद हैं,
जिनको राशन की जरूरत है। अरे मोदी जी, तुम तो किलो दो किलो नमक देके ही बहुत दिखा रहे हो। आदरणीय अखिलेश यादव जी को मौका मिलने दो, अपने गरीबों को जहां गेहूं देंगे, चावल देंगे, दालें देंगे, कड़वा तेल भी देंगे, आपके घी भी देंगे, मिल्क पाउडर भी देने का काम अखिलेश यादव जी करेंगे। क्या नमक देके नमक याद दिलाते घूम रहे हो, और मुफ्त में देंगे। समाजवादी पार्टी की सरकार देगी, गरीबों के जेब से पैसे नहीं जाएंगे, ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ। कांच मिला हुआ नमक दे रहे हैं, बताओ दे रहे कि नहीं दे रहे। और कई जिलों से हम होके आए, चौथे पांचवें चरण के प्रचार का ये आखिरी सभा है। पश्चिम से लेके इलाहाबाद तक, प्रतापगढ़ तक होके आए, पिछले पट्टी रानीगंज तक। पट्टी में बताओ बाबा जी के साथ घूम रहे कि नहीं घूम रहे, तो इनसे भी तो मुक्ति लेनी है कि नहीं लेनी है, कि किसान भाइयों खेतों में ही पड़े रहोगे। हम कई क्षेत्रों में घूम के आए, लोगों ने बताया कि हम लोग अपने घर में परिवार में समय कम बिता पाए, हम लोगों को खेतों में समय ज्यादा बिताना पड़ा। क्या पट्टी में भी ये समस्या है? समाधान चाहते हो कि नहीं चाहते हो? कौन करेगा समाधान? तब हम आज इस मौके पर आपसे अपील लेके आए, प्रार्थना लेके आए। बहुत प्यारे नौजवान हमारे साथी राम सिंह जी, जो लगते ही नहीं है कि ये तीन चुनाव लड़ चुके हैं, 14 लड़ने के लिए, बताओ तीसरा चुनाव ये लड़ रहे हैं। लग रहे हैं राम सिंह? अभी भी लगते हैं कि यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं ये। तो अपने ऐसे नौजवान को यहाँ से ऐतिहासिक वोट जिता देना, ये हमारी अपील है। बड़े वोटों से जिताना, हम भरोसा दिलाते हैं पार्टी की ओर से। आने अखिलेश जी की ओर से उनसे उनके आदेश पर आया हूँ, उनकी ओर से मैं भरोसा दिलाता हूँ। समाजवादियों को मौका मिलने दो, अपने गांव, गरीब, किसानों, माताओं, बहनों, समाज के हर तबके के लोगों के साथ न्याय करेंगे। बताओ ये सरकारी कर्मचारी लोग, ये पुलिस वाले लोगों, भले ही मुकदमा तुमने लिखे हो वर्तमान सरकार के कहने से, लेकिन पेंशन तुम्हारी अखिलेश यादव जी बढ़ाएंगे, वही बढ़ाएंगे। सरकारी कर्मचारियों को पेंशन भी देने का काम आदरणीय अखिलेश यादव जी करेंगे। टैट और बीएड वाले यहाँ नहीं मिल रहे, टोपी है, टोपी दिख रही हर सभा में, ये सफेद टोपी मिल रही है, और हर जगह समाजवादी पार्टी की ओर से हम लोग भरोसा दिला रहे हैं आपको। चाहे टैट के लोग हो, बीएड के लोग हो, शिक्षा मित्र हो, रोजगार सेवक हो, अनुदेशक हो, आपके आंगनबाड़ी के हो, रसोइये हो, ये जितने संविदा कर्मचारी हैं, इन सब कर्मचारियों की एक एक समस्या का समाधान करने का काम समाजवादी पार्टी और आदरणीय अखिलेश यादव करेंगे। ये भी भरोसा दिलाते हैं, 11 लाख नौकरियां खाली है उत्तर प्रदेश की। नौजवानों कमर कस लो, पढ़ने लिखने वालों नौजवानों, समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो एक भी नौकरी खाली नहीं रहेगी, हमारे नौजवानों से भरने का काम करेंगे। बताओ इतनी बेहतरीन योजनाएं, सरकारी कर्मचारियों को पेंशन, और समाजवादी पार्टी की देखा देखी दूसरे प्रांतों में काम चालू हो गया। राजस्थान सरकार ने तो समाजवादी पार्टी के देख के और यहाँ के उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों के दबाव देख के चालू कर दिया है, और आज हम कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के जो बीड़ा उठाई आ रही अखिलेश यादव जी ने, देश की हर सरकार को ये फैसला लेना पड़ेगा। तो मैं उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों को, अपने पढ़ने लिखने वाले नौजवानों को, बेरोजगारों को, अपने किसान भाइयों को, गरीब माताओं बहनों को, सबके बीच अपील और गुजारिश और प्रार्थना लाया हूँ कि आदरणीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना देना। और जब वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे तो एक बार फिर उत्तर प्रदेश के अंदर सबकी तरक्की, सबका खुशहाली और सभी का विकास होगा, हर वर्ग के लोगों के लिए समाज